अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने टिकटॉक अकाउंट की यू की टिकटॉक अकाउंट की आइडेंटिटी किस तरह वेरीफाई कर सकते हैं। एक मिनट में वेरीफाई हो जाएगा, आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। लोग इधर बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि हमारा जो अकाउंट है वो यू की का है और जो NIC है वो पाकिस्तान का है, तो ये कोई इशू तो नहीं करेगा भाई। 100% आपका वेरीफाई हो जाएगा, कोई इशू नहीं करता। आपने सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, उसके बाद हम अपनी वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने ऊपर वेरीफाई आइडेंटिटी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है कि ये अपनी लोडिंग पूरी करे। तो आपने जो NIC है जिस पर आप वेरीफाई करना चाहती वो आपने यानी आपके पास होना चाहिए अभी, तो उससे लाइव वेरिफिकेशन ये करेगा। तो इधर जो लोग गलती करते हैं उसकी जो क्या होती है, वो उसकी जो वेरिफिकेशन होती है वो एक महीने तक होती है। तो ये वजह ये है कि ये इधर कंट्री चेंज नहीं करती, इधर आपने पाकिस्तान ज़रूर सेलेक्ट करनी है। तो सेलेक्ट करने के बाद नीचे अगर आपके पास ड्राइवर लाइसेंस है, पासपोर्ट है या ID कार्ड है, तो मैं ID कार्ड पर क्लिक कर, तो आपने ID कार्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है और NIC का जो फ्रंट साइड है उससे आपने पिक्चर कैप्चर करना है, इधर लाओ। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे। दोस्तों, वेरीफाई योर आइडेंटिटी नीचे जो लिखा है आई एग्री टू द अबव स्टेटमेंट्स पर आपने क्लिक करके एग्री करना है। इधर आपने स्टार्ट वेरीफिकेशन पर क्लिक करना है। तो ये आप कह रहा है, तो ये आपको कह रहा है कि NIC की जो फ्रंट साइड है वो उससे आप पिक्चर यानी कर ले वो लाओ। तो हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं और अपने सामने कैमरे के सामने अपनी NIC की एक पिक्चर ले लेनी है। तो मैं जल्दी से ले लेता हूँ। उसके बाद आपने कंफर्म पर क्लिक करना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद ये आपको कह रहा है कि अभी बैक साइड से इस तरह पिक्चर ले लो, तो आपने सेम इसी तरह करना है। लेकिन आपने इसको हिलाना नहीं है कि इसको बिल्कुल भी आपने हिलाना नहीं है। तो उसके बाद आपने कंफर्म पर क्लिक करना है। ये आप चेक कर सकते हैं अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स। तो ये जब 100% हो जाए तो आपने वेट करना है। वेरीफाई डॉक्यूमेंट प्लीज़ वेट। तो आपकी जो आइडेंटिटी वेरीफिकेशन है वो अपलोड हो रही है। इधर आप चेक कर सकते हैं ID अपलोडेड यू आर रिसीव इनबॉक्स नोटिफिकेशन। कहती है कि आपकी जो वेरीफिकेशन है वो अंडर रिव्यू में चली गई है, 3 दिन में आपको मैसेज आएगा, लेकिन बहुत जल्दी आती। मैं अभी आपको चेक भी करवा देता हूँ। तो ये हमारा पहला स्टेप तो डन हो गया, दूसरा भी अंडर रिव्यू में जब ये डन हो जाए तो उसके बाद चेक करेंगे। आपने गॉट इट पर क्लिक करना है। तो आपने थोड़ा सा इधर रिफ्रेश करना है, अभी ये चेक कर ले। पहले इधर वेरीफाई था, अभी आइडेंटिटी अंडर रिव्यू में। दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं कि मुझे नोटिफिकेशन आया है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप चेक कर ले। दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं तकरीबन मुझे 18 मिनट बाद नोटिफिकेशन आया कि आपकी जो आइडेंटिटी वो वेरीफाई हो चुकी है। मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, तो थोड़ा सा वेट करें। थोड़ा सा नेट का इशू था इसलिए मैंने वो स्किप किया, बहुत लोडिंग हो रही थी। तो ये चेक कर ले आइडेंटिटी वेरीफाइड। तो ये तो आइडेंटिटी वेरीफाई हो चुकी है, अभी मैं डैशबोर्ड में भी आपको चेक करवाता हूँ। तो ये चेक कर ले क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम, इस पर भी मैंने क्लिक किया। तो दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं कि अंडर रिव्यू का जो ऑप्शन था वो चला गया, बस इधर सिर्फ सेटअप पेमेंट मेथड रह गया। तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है कि आप सेटअप पेमेंट मेथड किस तरह यानी पेमेंट मेथड किस तरह ऐड कर सकते हैं, तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा, तो उधर से आप चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।